राजिम कुंभकल्प को इस बार रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार राजिम कुंभकल्प राममय हो गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा राजिम कुंभ में प्रभु श्री राम के छत्तीसगढ़ वनवास अवधि पर आधारित एक प्रदर्शनी का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने लंबा वक्त छत्तीसगढ़ में बिताया था। आपको बता दें कि संगम तट पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके पास ही राजिम कुंभकल्प के मुख्य मंच को अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर भव्य रूप से सजाया गया है, जो कि यहाँ पहुंच रहे लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अच्छा लग रहा है छत्तीसगढ़ में, मतलब पुराने हुए बीते हुए पुरातत्व का समावेशन किया गया है, अच्छा लगा है। और बहुत ही भव्य तरीका से मनाया जाता है यहाँ पे राजिम लोचन का। मैं अभी 2-3 बार हुआ है आए, आती नहीं थी, पर हट गए, मैं घूमी नहीं थी पहले, आज अच्छे से घूमी हूँ। मिला सर, बहुत कुछ झलकियाँ हैं यहाँ पर, तो बहुत कुछ झलकियाँ हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है सर। मैं तो आने के लिए तो बहुत साल से आता हूँ मैं, लेकिन मेला के समय नहीं आया था सर, ऐसी मतलब मेला नहीं था उस समय मैं आया था। बहुत अच्छा है एक्चुअली, जो चीज़ हमको पता नहीं था, जैसे भगवान कौन सा एरिया होके गए थे वो सारा चीज़ हमको जानकारी हुआ, जैसे कुल महादेव जो है उसको कैसे पूजा किए थे उसका भी दर्शन किए, बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे राम जी का भी दर्शन हुआ, जो बहुत अच्छा लगा। आप कितने साल से आए? एक्चुअली हम उड़ीसा से हैं, एक्चुअली अप्रैल महीने से हम रायपुर में रहते हैं, तो यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा उत्सव है जो छत्तीसगढ़ में पहली बार देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।